हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं तो आप देख रहे हैं एमएसएल इलेक्ट्रिशियन। सो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि आपको एमसीबी बॉक्स कनेक्शन कैसे करना है। आज की इस वीडियो में हम छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जानकारी देने वाले हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उल्टा सीधा कनेक्शन कर देते हैं और उनकी सारी वायरिंग खराब हो जाती है, सारी वायरिंग बर्बाद हो जाती है और घर मालिक उनको पैसा भी नहीं देता है। तो आज की इस वीडियो में बिल्कुल सही तरीका बताने वाले हैं जिसके माध्यम से आप लोग एमसीबी बॉक्स कनेक्शन बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं और आप लोग पैसे कमा सकते हैं। तो प्लीज हमारी वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को ऐसी इलेक्ट्रिशियन वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलिए गाइस, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर हमारे पास एक एमसीबी बॉक्स लगा हुआ है, जो कि आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं कि आपको एमसीबी बॉक्स की वायरिंग और कनेक्शन कैसे करना है। आज के इस वीडियो में आपको बिल्कुल आसान तरीका बताने वाले हैं जिसके माध्यम से आप लोग बिल्कुल आसानी से एमसीबी बॉक्स की वायरिंग करना सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम आप लोग को इसके वायर के बारे में समझा देते हैं। तो आप लोग जो दो ब्लैक वाले वायर देख रहे हैं, हमारे पास 4 mm के वायर हैं और ये हमारी AC के लिए वायर आए हुए, एक लाइन और एक न्यूट्रल का वायर, ठीक है। उसके बाद आप लोग जो देख सकते हैं हमारे पास जेड वाले वायर हैं, ये वायर हमारे लाइन के वायर, मतलब हमारे इसमें यहाँ पर 3 फ्लोर बने हुए हैं, 1st, 2nd और 1/3, ठीक है। तो ये 3 वायर हमारे, एक ग्राउंड फ्लोर से है, एक 2nd फ्लोर से, एक 1st फ्लोर से है, ठीक है। तो इन तीनों वायर का हम अलग अलग कनेक्शन करेंगे। और उसके बाद जो आप लोग ब्लैक वाले वायर देख रहे हैं, ये वायर हमारे पर न्यूट्रल वाले वायर हैं और एक वाइट वाला जो वायर है ये हमारा इन्वर्टर का वायर है, ठीक है। इन्वर्टर के वायर वैसे हमने यहाँ पर ऐसे डाल दिया है, कोई यहाँ पर मतलब नहीं, बट हमने इसको ऐसे यहाँ पर डाल दिया है। अब यहाँ पर आपको वायरिंग कनेक्शन कैसे करना है, बिल्कुल ध्यान से आपको वीडियो देखना है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम MCB को फिटिंग कर लेंगे, उसके बाद इसका कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ हमारे पास एक आप लोग देख सकते इंसुलेटर यहाँ पर आ चुका है, इसको फटाफट से फिटिंग करेंगे और उसके बाद MCB लगाएंगे। जो हमको जितने एम्पियर के MCB लगाना है, हमने यहाँ पर अपने हिसाब से देख लिया कितना लोड है, उसी हिसाब से हम यहाँ पर MCB फिटिंग कर रहे हैं। अगर आप लोग को नहीं पता है तो हमारे YouTube चैनल पर सारी वीडियो अपलोड है, आप लोग जाकर देख सकते हैं कि आपको कितने लोड पर कौन सी MCB लगाना है, ठीक है। हम AC के लिए यहाँ पर 32 एम्पियर की MCB यूज कर रहे हैं और बाकी नॉर्मल लोड के लिए यहाँ पर हम 16 एम्पियर की MCB को यूज कर रहे हैं, ठीक है। और जो हमारा इंसुलेटर लगा हुआ है वो हमारा 63 एम्पियर का लगा हुआ है, ठीक है। तो हमारी सारी MCB फिटिंग हो चुकी हैं। अब हमको वायर एकदम अच्छे से लेकर जाना है और जो वायर हमारा थोड़ा ज़्यादा बड़ा है उसको कटिंग कर देंगे और सभी वायर को एकदम अच्छे से छील लेंगे, ठीक है। जो हमारा 1st फ्लोर होगा उसकी MCB अलग होगी, 2nd वाले की अलग होगी, ग्राउंड वाले की अलग होगी, ठीक है। तो यह चीज़ आपको ध्यान रखना है। अभी आपको सिंपल तरीके बताएंगे जिसके माध्यम से आप लोग बिल्कुल आसानी से कनेक्शन कर सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रीशियन को बुलाने की जरूरत नहीं और आप लोग खुद ही इलेक्ट्रीशियन बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमने जो हमारे न्यूट्रल वाले वायर थे इसको हम लगा देंगे ऊपर, जो हमारा न्यूट्रल लगाने का ऑप्शन दिया था उस पर हम लगा देंगे और बाकी जो लाइन वाले वायर हैं, जो हमारे जूम से वायर आए हुए हैं, इनको लगाएंगे MCB के ऊपर वाले पॉइंट में, ठीक है। हमारी 16 एम्पियर की MCB जो लगी हैं इसके ऊपर वाले पॉइंट में अपने जूम के वायर हम लगाएंगे, ठीक है। तो जैसे हमारा 1st फ्लोर का रूम है तो उसको 16 एम्पियर की MCB है उसके ऊपर वाले पॉइंट में लगा देंगे, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं एक वायर को हमने लगा दिया है और जो हमने न्यूट्रल वाले वायर थे इसको हमने ऊपर लगा दिया, जहाँ पर न्यूट्रल लगाने का ऑप्शन दिया जाता है ऊपर हमने न्यूट्रल वाले सभी वायर को लगा दिया है। अब क्या करेंगे, दूसरे रूम का वायर दूसरे MCB में लगाएंगे और तीसरे रूम का वायर तीसरे MCB में, मतलब 1st फ्लोर का 1st वाले में, 2nd वाले का 2nd वाले में और ग्राउंड वाले का ग्राउंड वाले में, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं हम दूसरे फ्लोर का यहाँ पर MCB लगा रहे हैं, जो कि आप लोग देख सकते वायर लगा रहे हैं। और जो भी आप लोग वायर लगाएं आपको एकदम अच्छे से फुल टाइट कर देना, ज़रा सा भी आपको ढीला नहीं छोड़ना ताकि कोई वायर हमारा निकले ना और इसमें कोई दिक्कत ना, कोई फॉल्ट ना हो, ठीक है। आपको बहुत ही सावधानी से काम करना है, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है, बहुत ही अच्छे से वर्क करना ताकि हमारी वायरिंग लाइफ टाइम चलती रहे। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने तीनों फ्लोर के वायर को लगा दिया है। अब क्या करना है, इसके बाद हमको AC वाला वायर लगाना पड़ेगा। तो AC के लिए हमने 32 एम्पियर की MCB को यूज किया है, ठीक है। तो हम एक AC का वायर लगा देंगे MCB के ऊपर वाले पॉइंट में, जो हमारा न्यूट्रल वाला वायर बचेगा उसको लगा देंगे न्यूट्रल वाले में, ठीक है। उसके बाद आपको बताते हैं कि आगे आपको कनेक्शन कैसे करना है। बिल्कुल आसान कनेक्शन है, बस आपको वीडियो ध्यान से देखना है और समझना है ताकि आप लोग अच्छे से वर्क सीख जाएं और आप लोग भी हाउस वायरिंग का वर्क करके पैसे कमा सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम AC के लिए वायर फटाख दे इसको लगा देंगे, जो हमारा 4 mm का वायर आया हुआ है इसको भी हमने यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है।
अब हमको क्या करना है, इंसुलेटर में कनेक्शन करना है एमसीबी का, ठीक है। तो जो हमारा इंसुलेटर होता है इसके नीचे वाले पॉइंट में जो हमारा खंभे से लाइट आता है वो वाले वायर लगते हैं, और ऊपर वाले पॉइंट में हम लगाते हैं जो हमारा लोड होता है, ठीक है। नीचे से लाइन देंगे, ऊपर से लोड देंगे, ठीक है। तो ऊपर से दो वायर लेंगे, एक लाइन और एक न्यूट्रल का, और न्यूट्रल वाला वायर हम न्यूट्रल में लगा देंगे, जो लाइन वाला वायर होगा उसको लगाएंगे एमसीबी के नीचे वाले पॉइंट में, ठीक है। जितनी एमसीबी लगी सभी के नीचे वाले पॉइंट में लगाना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमने इंसुलेटर के ऊपर वाले पॉइंट में एक लाइन और न्यूट्रल के वायर जोड़ लिया है, न्यूट्रल वाला हमने न्यूट्रल में लगा दिया है, और जो लाइन वाला वायर है इसको लगाएंगे एमसीबी के नीचे वाले पॉइंट में, ठीक है। जितनी हमारी एमसीबी लगी हुई है सभी के नीचे वाले पॉइंट में लगाना है। तो इसके लिए एक यहाँ पर हमारे पास एक प्लेट आती है जो कि एमसीबी के नीचे लगाई जाती है, उसको लगा देंगे। उसके बाद हम एक एमसीबी में इस जेड वाले वायर को लगा देंगे, बस हमारे सभी एमसीबी में लाइन पहुँच जाएगी, ठीक है। तो इसको फटाफट से कर लेते, फिर आपको बताते कि आगे आपको क्या करना है, ठीक है। और सभी को आपको एकदम अच्छे से फुल टाइट करना, किसी भी वायर को आपको ढीला नहीं छोड़ना, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगी और आपको आपकी वायरिंग सारी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सारा कनेक्शन हो चुका है। अब हम उस प्लेट को नीचे में लगा दें, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं जो हमको एमसीबी बॉक्स के साथ में मिलती है उसमें हमने लगा दिया है, और एक एमसीबी में अपने इंसुलेटर के जेड वाले वायर को भी लगा दिया, मतलब जो लाइन वाला वायर था उसको भी लगा दिया है। तो आप लोग देख सकते इसको एकदम अच्छे से फुल टाइट कर देंगे, बस हमारा ये अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम अच्छे से इसको फुल टाइट कर दिए हैं, और जो इंसुलेटर से जो हमारा वायर लाइन वाला वायर आया था, फेज वाला वायर आया था, उसको हमने एमसीबी के नीचे वाले पॉइंट में लगा दिया है, और अच्छे से हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करना है कि इंसुलेटर के जो नीचे वाले पॉइंट हैं इसमें हमको दोनों वायर को लगाना है, एक लाइन और एक न्यूट्रल वाले वायर को लगाना है, और इसको अपने खंभे में जो जहाँ से हमारा मीटर से लाइन आया हुआ है उसमें लगा देना, बस हमारी घर की लाइन एकदम चालू हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, और आपको ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको लाइन वाला पॉइंट लाइन में लगाना है, न्यूट्रल वाला पॉइंट न्यूट्रल में लगाना है, ठीक है। ये नहीं कि आप जहाँ पाए तहाँ लगा दें, तो इससे भी दिक्कत हो जाती है, इससे कोई दिक्कत नहीं होती, बट यहाँ पर अगर आप लोग इन्वर्टर लगाते हैं तो उसमें आपका दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लाइन वाले में लाइन वाला, न्यूट्रल वाले में न्यूट्रल वाला, हमने यहाँ पर सारे को एकदम अच्छे से फिटिंग कर दिया है, और उसके बाद हमने चेंजवर को भी फिटिंग कर दिया। अगर आप लोग को चेंजवर वाली वीडियो चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, और यहाँ पर इसका सारा कनेक्शन बिल्कुल आसानी से कंप्लीट हो चुका है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ऐसे ही आपको एमसीबी बॉक्स का कनेक्शन करना होगा। हमारे यूट्यूब चैनल पर काफ़ी ज़्यादा वीडियो अपलोड है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग को ऐसी इलेक्ट्रिशियन वीडियो मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद।